हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम कस्तूरी मेथी बनाते हैं। अभी विंटर सीजन चल रहा है, हर जगह हरी मेथी अवेलेबल है। हम हरी मेथी से पूरे साल यूज़ करने के लिए कसूरी मेथी बना करके स्टोर कर लेते हैं। बहुत सारी सब्जियों में हम कसूरी मेथी यूज़ करते हैं। अगर कसूरी मेथी घर की बनी हो तो ये सब्जी को शानदार बना देती है। मैंने अपने किचन गार्डन में मेथी लगा रखा है तो मैं यहीं से मेथी काट ले रही हूँ। मैं इनको जड़ से नहीं उखाड़ रही हूँ क्योंकि जड़ में बहुत सारी मिट्टी रहती है, बस इनको ऊपर ऊपर से काट ले रही हूँ। ले चलते हैं इनको अपने किचन में। कसूरी मेथी बनाने के लिए हम मेथी के पत्तों को यूज़ करेंगे। इसके डंठल को हटा देंगे। सारे पत्तों को हम तोड़ लेते हैं। देखिए, यहाँ मैंने सारे पत्तों को तोड़ लिया है, इसमें डंठल बिल्कुल भी नहीं है। इनको अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद चाली वाले बर्तन में 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि पानी सूख जाए। अगर मेथी में पानी रह जाएगा तो हमारी मेथी काली पड़ जाएगी और इनको सूखने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। मेथी को अब सुखा लेते हैं। मेथी को सुखाने के लिए हम कॉटन क्लॉथ को यूज़ करेंगे। प्राय हम सभी के घर में सूती का बेडशीट रहता है, तो हम अपने पुराने कॉटन बेडशीट को मेथी सुखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं भी अपने पुराने बेडशीट पर ही मेथी को सुखा रही हूँ। मेथी को हम सूती के कपड़े पर अच्छी तरह से फैला लेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मेथी एक के ऊपर एक इकट्ठी ना हो। हमें इनको अच्छी तरह से फैला करके एक पतला लेयर बना लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जहाँ भी अपनी मेथी को सुखाएं वहाँ जरा भी धूप ना आता हो। अगर हम धूप में मेथी को सुखाएंगे तो हमारी मेथी काली और पीली पड़ जाएगी और हमारा सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। मेथी को हम ऐसे ही 2 दिन तक सूखने देते हैं। 2 दिन के बाद देखिए हमारी मेथी इस तरह से सूख गई है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाते हैं। एकदम लो फ्लेम में मेथी को इस तरह से 1 मिनट तक चला करके सुखा लेंगे। मेथी को इस तरह से भून लेने से इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ये सालों तक ख़राब नहीं होती है और ये थोड़ी क्रिस्पी भी हो जाती है। देखिए हमारी कसूरी मेथी का कलर कितना अच्छा है, बिल्कुल हरी हरी सी कसूरी मेथी मस्त दिख रही है ना। अब चाहे तो इसको बिना क्रश किए ऐसे भी रख सकते हैं और जब भी यूज़ करना हो हाथों से क्रश करके सब्जी में डाल लीजिए। देखिए कितना मस्त पाउडर बन रहा है, एकदम शानदार बनी है हमारी कसूरी मेथी। इनको हम एकदम साफ और सूखे हुए कांच के एयरटाइट जार में स्टोर करके रख लेंगे तो ये सालों तक खराब नहीं होगी। इस तरह आसानी से घर पर कसूरी मेथी बनाकर पूरे साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। यकीन मानिए, घर की बनी हुई चीज़ मार्केट की खरीदी हुई के कंपेयर में कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कसूरी मेथी बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ।